तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 का ना तीनों न्यू कलर्स ऑप्शन देखने को मिला है, जिसके अंदर एक तो है ग्रे कलर और एक है ब्लैक कलर, और इसके ही साथ साथ एक जो है ना तो वो है व्हाइट कलर। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि ये जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 वाला जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स नहीं भाई स्पोक व्हील्स देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है भाई, जिसके बारे में आगे हम लोग इसी वीडियो में ही बात करने वाले हैं। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों पहले बात तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 का तीनों न्यू कलर्स ऑप्शन देखने को मिला है, जिसके अंदर एक है व्हाइट और एक है ब्लैक और एक है भाई ग्रे कलर। अब देखो दोस्तों वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग जिस कलर के बारे में बात करने वाले हैं तो वो है भाई ग्रे कलर। अब देखो दोस्तों ये जो ग्रे कलर है ना, तो ये भाई देखने को मिला ही है भाई ग्लॉसी फिनिश के अंदर अंदर। और वैसे भी ये जो ग्रे कलर है ना, तो ये इस वाले बाइक के ही टैंक के ऊपर के ही साथ साथ इस वाले बाइक के ही भाई ये जो पिलियन सीट है ना, तो उधर भी आपको थोड़ा बहुत जो है तो वो ग्रे कलर वाला जो निशा तो वही कुछ देखने को मिल जाएगा। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ देखने को मिला है कि इस वाले बाइक के ही इसी ग्रे कलर के साथ में रेड कलर का जो कुछ स्टिकरिंग्स है ना, तो वो कुछ देखने को मिलता है भाई। बाकी तो भाई इस वाले कलर के अलावा एक और भी जो कलर है ना, तो वो है भाई व्हाइट कलर। और जैसे ही देख सकते होंगे ये जो व्हाइट कलर है ना, तो ये सबसे ज्यादा भी फेमस वाला कलर है, क्योंकि भाई ये जो व्हाइट वाला कलर है ना, तो इसको ही सबसे ज्यादा मतलब दिखा जो गया है ना, तो वो यही है। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि ये जो व्हाइट कलर है ना, तो ये देख सकते होंगे इस वाले बाइक के ही टैंक के ऊपर और इसके ही अलावा और भी कुछ कुछ जगह पर जो है ना, तो ये व्हाइट कलर देखने को मिला है, जो कि भाई ग्लॉसी फिनिश में जो है ना तो वही है। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि और के भाई कलर है जो कि है ब्लैक कलर। असल में ये जो कलर है ना, तो ये ब्लैक कलर सिर्फ अकेला नहीं, क्योंकि भाई इसके ही साथ में आपको देखने को मिलेगा येलो कलर का भी कॉम्बिनेशन। और अगर सही सही देखा जाए तो भाई ये जो येलो कलर है ना, तो ये आपको मेन जो देखने को मिलने वाला है इस वाले बाइक के अंदर, तो वो आपको देखने को मिलने वाला है मेनली इस वाले बाइक के ही स्पोक इस वाले रिम में। और इसके ही साथ साथ इस वाले बाइक के ही जो टैंक के ही साइड में देख ही सकते होंगे कि येलो कलर वाला जो स्टिकर है ना, तो यही कुछ देखने को मिलेगा भाई येलो कलर में। और इसके ही साथ साथ ये भी कुछ सीन है कि भाई जो एक चीज सामने आया है ना, तो वो है भाई ये जो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 वाला जो मॉडल है ना, तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिलेगा स्पोक व्हील्स। लेकिन दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि स्पोक व्हील्स के साथ में आपको ट्यूबलेस टायर भी देखने को मिलेगा, लेकिन भाई ये हर एक मॉडल के अंदर देखने को नहीं मिला है, मतलब एक ही व्हाइट वाले कलर वाले मॉडल के अंदर देखने को मिला है, जो कि अभी आपके सामने भी है देख ही सकते होंगे। बाकी हिमालयन 452 के अंदर आपको एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 40 bhp के आसपास का जो पावर है, तो वो कुछ प्रोड्यूस कर देगा विद 6 स्पीड का गियर बॉक्स। और हाँ, इसके अलावा ये भी कुछ सीन है कि ये जो इंजन मैक्सिमम टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो भी 40 से लेके 45 nm के अंदर अंदर जो है तो वही कुछ देखने को मिलेगा। बाकी लाइट्स का सेटअप जो है तो वो LED के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा डिस्प्ले के साथ में आपको डुअल चैनल ABS जो इस वाले बाइक में, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। बाकी सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर के ही साथ साथ रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 का जो भाई क्रेज है ना, तो वो अभी बहुत ही ज्यादा भाई बढ़ रहा है भाई, ये देखने को मिला है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कुछ सीन है कि ये रॉयल एनफील्ड हिमालयन 452 के अंदर आपको जो मीटर कंसोल भी देखने को मिलता है ना, तो ये भाई एक अलग सा ही स्टाइल के साथ में आता है, मतलब जैसे कि देख ही सकते होंगे इसके अंदर नेविगेशन वाला जो ऑप्शन है, तो ये जब ऑन किया गया तो ये भाई आधा आधा जो स्क्रीन है ना, तो इसको भाई पूरे तरीके से कवर कर गया। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।